अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स। ललितपुर में स्थित हजरत सदन साहेब बाबा रहमतुल्ला अलैह की दरगाह को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दुल्हन की तरह सजाया गया, जहां तीन रंगों की रोशनी से दरगाह जगमगा रही थी, तो वहीं सदन साहेब ग्राउंड भी रोशनी से जगमगाता नजर आया। इतना ही नहीं, सदन साहेब मोहल्ले में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव की धूम मची हुई है और सभी आज़ादी की 75वीं सालगिरह को यादगार ढंग से मनाने के लिए बेताब हैं। आपको बता दें कि ललितपुर मुस्लिम एसोसिएशन के सदस्य सरकारी ठेकेदार खुर्शीद आलम ने इस बार सदन साहेब मोहल्ला वासियों के सहयोग से यह बीड़ा उठाया है। जी, क्या कार्यक्रम है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है जी, 15 अगस्त का ये झंडा रोपण है। सारे बच्चों का जुलूस निकलना है शहर में और उनके लिए खाना की व्यवस्था है यहाँ पे। किन किन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है? सब धर्म जाति का। जुलूस में कौन कौन लोग शामिल होंगे? सब धर्म जाति होंगे सब शामिल। सदन साहिब को इस तरीके से पहली बार सजाया गया कि हर बार सजाया जाता है? पहली बार सजाया गया। सबका सहयोग है? सबका सहयोग है। सदन साहब की अगर बात करें ग्राउंड की, तो क्या क्या आप लोगों की तैयारी, क्या क्या व्यवस्था, किसके नेतृत्व हो रहा है? समस्त मोहल्ले वासियों की तरफ से, उसमें खास तौर से खुर्शीद आलम जो मेंबर मुस्लिम एसोसिएशन के हैं, पूरे मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे ग्राउंड में लाइटिंग की व्यवस्था एवं राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है और कल प्रातः 8:30 बजे मदरसे के ऊपर झंडारोहण होगा एवं मिष्ठान वितरण होगा। इसके बाद प्रभात फेरी निकाली जाएगी। हम खुर्शीद आलम हैं, 15 अगस्त की सब जनपद भाइयों को, बहन बहनों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ कहे गई थे इस्तकबाल के।